हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास टू, चैप्टर टू काउंटिंग इन ग्रुप्स एंड चैप्टर एट टेंस एंड मास. लेट्स टू रिवाइज सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम इट. न्यू क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, राइट? सो हम अच्छे से पढ़ते हैं क्या लिखा है. CLASSIFY क्लासीफाई द FOLLOWING फॉलोइंग IN इन TO2 ODD और NUMBRS नंबर्स AND एंड EVEN इवन NUMBRS नंबर्स, राइट? क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स. पता है ना आपको, ऑड एंड इवन नंबर्स में हम ऑड और इवन फाइंड करते हैं. किस अब हमारे पास यहाँ पे इतने नंबर्स दिए जिसको ऑड एंड इवन में लिखना है, तो मैं यहाँ पे दो कॉलम बना देती हूँ. देखो, एक यहाँ पे ऑड नंबर्स लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं कॉलम बना के लिख देती हूँ इवन नंबर्स. सबको अच्छे से पढ़ना आ गया ऑड और इवन नंबर्स? ODD क्या होता है? ऑड. और EVEN क्या होता है? इवन. और नंबर्स की स्पेलिंग तो पढ़ना आती है ना सबको, राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो जो नेक्स्ट वाला है ये नंबर, उसमें से हमें क्लासीफाई करना है, यानी आइडेंटिफाई करना है कि विच आर द ऑड नंबर एंड विच आर द इवन नंबर. विच नंबर यू विल कंसिडर एज एन ऑड नंबर? सो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ऑड नंबर्स. कौन कौन से नंबर को हम ऑड नंबर कंसिडर करेंगे? वी हैव टू, व्हेन वी फाइंड द ऑड और इवन नंबर, दैट टाइम वी हैव टू चेक द वंस प्लेस. कौन सी प्लेस चेक करनी है? वंस. ओके, आपको बताया ना, जैसे कि ये नंबर है 71, उसमें से दिस नंबर राइट साइड से स्टार्ट करना है. द फर्स्ट प्लेस इज 04 वंस एंड द नेक्स्ट प्लेस इज 10. सो ईच एंड एवरी नंबर द फ्रॉम राइट साइड फर्स्ट प्लेस इज वंस एंड द नेक्स्ट प्लेस इज 10. सो व्हेन यू सेपरेट आउट द ऑड एंड इवन नंबर, यू हैव टू जस्ट चेक द वंस प्लेस. जैसे हम 65 में देखें तो दिस इज वंस प्लेस और टेंस प्लेस फॉर ईच एंड एवरी नंबर. राइट साइड फर्स्ट प्लेस इज वंस, द नेक्स्ट लेफ्ट साइड जाएगा तो टेंस आएगा, ठीक है? सो ऑड नंबर में आपको 1, 3, 5, 7 and 9, इफ दिस डिजिट्स आर कम्स ऑन अ वंस प्लेस, सो दिस नंबर इज कॉल्ड एन ऑड नंबर, राइट? अगर ऑड नंबर पे 1, 3, 5, 7, 9 है तो दिस नंबर कंसीडर एज एन ऑड नंबर. अब बात करते हैं इवन नंबर की. विच डिजिट इज एन इवन नंबर? सो NUMBERS नंबर्स. ओके, सो 0, 2, 4, 6 and 8. इफ दिस डिजिट्स आर ऑन 0, 2, 4, 6, 8. If these digits are on ones place, so this number consider as an even number. तो हम देखते हैं first number 71. Okay, so one is, हमें ones place वाला number देखना है, that is one. So one कहाँ पे आता है? Odd number में. So that means the 71, the full number consider as an odd number. तो हमें यहाँ पे odd number में लिखना है उसको, ठीक है? 71 odd हो गया. Okay, next is a 65, right? तो 65 में कौन सा प्लेस, वंस प्लेस में कौन सा है? 5. सो 5 इज एन ऑड नंबर, यस. आपको इजीली याद रखना है 1, 3, 5, 7, 9, दैट मींस इफ इट इज कम्स ऑन वंस प्लेस दैट नंबर कंसिडर एज एन ऑड नंबर. एंड 0, 2, 4, 6 एट इफ दिस कम्स ऑन वंस प्लेस तो वो इवन हो जाएगा. याद रहेगा, इजी है ना? तो 65 में 5 है और वो ऑड नंबर में आता है तो पूरा नंबर क्या बन जाएगा? ऑड. तो 65 ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज अ 23. Anyone will say 23 is an even or odd number? Okay. So 23 is a odd number, right students? Okay. So next one, very good Alia. So next one is a 40, right? So 40 is an odd or even number? Which place has to check students? So see, 40, ones place पे 0 है, that means if the zeros come, that number consider as an even number. तो 40 हम कौन से side पे लिखेंगे? Even वाली side पे, right? तो 40 is an even number. Clear this? Okay, next one is a 12. So 12 is an even or odd? तो 12 कहाँ पे है? 12 की कौन सी
प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे टू है, सो टू दैट मीन्स दैट नंबर इज ऑल्सो इवन, सो दैट ऑल्सो राइट हैज टू बी इवन नंबर साइड, वो भी हमें कहाँ पे लिखना है, इवन नंबर वाली जगह पे लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, नेक्स्ट नंबर इज 55, एनी वन विल से 55 इज एन ऑड नंबर और इवन नंबर, रेज योर हैंड। तो समझ में आया? सो 55 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, बिकॉज 5 इज एन ऑड नंबर, सो वो पूरा नंबर बन जाएगा ऑड। ओके, नेक्स्ट इज 100, सो यू कैन से हियर मैडम हियर इज अ 1, 2 एंड 3 डिजिट नंबर, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, इट्स वेरी इजी, यू डोंट वादर अबाउट द 3 डिजिट और 4 डिजिट, आपको जस्ट वंस प्लेस वाला नंबर देखना है। ठीक है, वंस प्लेस पे अगर 0 है तो द होल नंबर कंसिडर एज एन इवन नंबर, तो आपको इवन नंबर यानी 100 क्या बन जाएगा, इवन नंबर, तो आपको इवन नंबर वाली साइड पे क्या लिखना है, 100। अंडरस्टूड दिस? ओके, लेट्स सी द लास्ट वन, 86। ओके, एनीवन विल से 86 इज एन ऑड और इवन, सी दिस इवन, वेरी गुड, 6 इज ऑन इवन नंबर ना, हमें राइट हमें कौन सा प्लेस देखना है, वंस प्लेस, सो 6 कहाँ पे है, इवन नंबर में आता है, दैट मीन्स द होल नंबर कंसिडर एज एन इवन नंबर, सो हमें यहाँ पे लिखना है इवन नंबर की साइड पे 86। अंडरस्टूड दिस? ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू सेपरेट लाइक दिस वे ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर, जस्ट चेक द वंस प्लेस, एंड अगर वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 आता है सो दिस होल नंबर कंसिडर एज एन ऑड नंबर, और 0, 2, 4, 6 आता है दैट होल नंबर कंसिडर एज एन इवन नंबर, राइट? समझ में आ गया आपको? क्लियर दिस? ओके, सो लेट्स सी द अनदर एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट आवर चैप्टर इज टेंस एंड वर्ब्स। ओके, आवर चैप्टर टू रिविजन हैज बिन कम्प्लीटेड, नाउ वी स्टार्टेड द चैप्टर 8 टेंस एंड वर्ब्स रिविजन, द सिलेबस इज ऑलरेडी ओवर, चैप्टर 8 टेंस एंड वर्ब्स आई ऑलरेडी टॉट यू। ओके, मैंने आपको सिखा दिया है, अभी मैं कुछ टॉपिक्स का आपको रिविजन करवाऊंगी। ठीक है, दिस चैप्टर PDF ओनली वन पार्ट आई हैव सेंड यू, अदर आई विल सेंड यू आफ्टरवर्ड्स। ओके, बाकी बाद में भेजूंगी। ठीक है, सो क्वेश्चन इज COUNT काउंट, THE MONEY मनी, काउंट द मनी, राइट? यहाँ पे हमें मनी काउंटिंग करना है। ओके, व्हेन योर फादर एंड मदर गिव सम रुपीज एंड टेल टोटल काउंट हाउ मच, कितने रुपीज आप काउंट करो, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे ना, सो काउंट करे टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, कैन यू सी दिस, दिस इज अ रुपीज 20 नोट, दिस इज रुपीज 5 नोट एंड दिस इज रुपीज 1 नोट। ओके, सो हमें यहाँ पे सबका क्या करना है, टोटल करना है। अंडरस्टूड दिस? सो वॉट टू डू हियर, सी 20 रुपीज नोट प्लस 5 रुपीज नोट, सो 20 प्लस 5 कितना होगा, 25। ओके, 25 प्लस 1 बिकम्स 26, सो आई विल राइट ऑन द ब्लैंक 26, बट हियर यू हैव टू राइट द रुपीज सिम्बॉल ऑल्सो बिफोर द नंबर, यानी नंबर के आगे आपको ये रुपीज का सिम्बॉल है ना, वो भी लगाना है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मनी, और मनी ऑलवेज इन रुपीज। ओके, हमारे इंडियन करेंसी में जो मनी है वो रुपीज और पैसे में होता है। ठीक है, इसीलिए हमें नंबर के आगे क्या लगाना है, रुपीज लगाना है। ठीक है, अगर आप ओनली 26 लिखोगे तो व्हाट आई कैन आइडेंटिफाई, व्हाट इज दिस 26 नंबर है, क्या है, वो कुछ भी हो सकता है ना। हम मनी की बात करें तो कंपलसरी नंबर के पहले रुपीज का सिंबल लगाना है। ठीक है, और हियर यू हैव टू जस्ट ट्राई टू डू द काउंटिंग ओरली, डोंट यूज अ फिंगर। ओके, आपको पता होना चाहिए कि 20 में 5 ऐड करेंगे सो इमीडिएटली 25 विल कम, देन 1, 26। ओके, सो ट्राई टू डू इट ओरली विदाउट मेकिंग सर्कल एंड लाइन्स। ओके, नाउ यू हैव द ग्रोन अप चाइल्ड ना बेटा, नाउ बी, हियर इज अ 10 रुपीज नोट, दिस इज ऑल्सो 10 रुपीज नोट, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। अब इनका हमें टोटल करना है कि कितने मनी है, तो क्या करेंगे, 10 प्लस 10 कितना होगा, 20, 20 प्लस 1, 21, +1, 22, +1, 23। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 23, और आगे क्या लगाना पड़ेगा, रुपीज का सिंबल। तो आंसर क्या आया हमारे पास, रुपीज 23। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको कैसे मनी काउंट करना है, इजी है ना। अब आपके घर पे आपके मम्मी पापा के पास मनी हो ना, दैट ऑल्सो यू विल काउंट एंड टेल मम्मी दिस इज द दिस मच अमाउंट, इतने पैसे है। ठीक है, वो भी आपको काउंट करना है, तो आपको इजीली काउंटिंग अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 50 रुपीज का नोट है, 10 रुपीज नोट, 5 रुपीज कॉइन, सॉरी दिस इज 10 रुपीज कॉइन,
5 rupee coin, 5 rupees coin, and 2 rupees coin. Now, who will find the total amount of money? Who will do it? Okay, so next is coin, 1 rupee coin, 5 rupees coin, 10 rupees coin, and 2 rupees coin. Okay, let's count. Total karte hai, kitna hota hai? So 1 plus 1 is 2. 2 plus 5, 7 rupees. 7 rupees mein 10 rupees add karenge. 7 plus 10 kitna hoga? 17. Very good, Mama Zahir. 17 plus 2 karenge to 19 aayega. So 19 is the answer, but you have to put the rupees symbol. अगर आपने only 19 लिखा और rupees नहीं लगाया, so your marks will be cut. So answer क्या लिखना है? Rupees 19. Clear this? समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? Okay, so do understand how to count the money? Easy है ना? Okay. I hope you understand the topic which I explain you. Thank you.